नमस्कार, आदाब, जय हिंद, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। हो चुका है रन का आगाज, बज चुका है फाइनल विसिल साथियों, क्योंकि पता है आपको कि मात्र बचा है 22 दिन और इस 22 दिन में करना है 22 अठे 22 अठे 8 दुना 16 और 17 176 घंटा की स्टडी और दिन रात एक कर देना है और हर दिन 2 सेट लगाना है और दबा के पढ़ना है। अगर आप हर दिन में 2 सेट लगाते हैं तो 4 घंटा आपका सेट लगाने में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि 1 घंटा आपका कीजिए, किसी सेट का वीडियो देखिए और उस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जो आप नहीं जानते उसको लिख लीजिए, वरना आगे बढ़ जाइए। और जिसका मैथ कमजोर है वो क्या कीजिए, हर दिन 1 सेट मैथ का देखिए, जिसका रीजनिंग कमजोर है वो हर दिन 1 सेट रीजनिंग का। अब क्या करना है साथियों, कि अब अपने कमजोरी को पहचानना है और उसी के हिसाब से अपना काम करना है। अभी क्या है, 120 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट है, इसमें जो 5 ऑप्शन वाला प्लेटफॉर्म का टेस्ट है, आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। और कल दिन में एक साथ जो है 1 to 5 एक से लेकर 5 सेट आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। एडुटेरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 5 के लिए 5 विकल्प वाला डिटेल 15 सेट है, लेकिन अब टाइम उतना नहीं है कि 15 दिन इसको दिया जाए। और साथ ही साथ इसको तो आप लोग बहुत प्यार दे ही रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती द ऑफिसर्स अकेडमी सर अपना मैराथन करा रहे हैं, हम इन्हीं का 700 जो 72 प्रश्न है उसको करा रहे हैं। सर के आशीर्वाद से सब कुछ चंगा चल रहा है। ओके, तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी शिक्षक तो बने के बाद सीरीज में आपको यहाँ भी जुड़ना है। और भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, तेरी रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है, लेता है जो तू दिल से भोले बाबा का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। तो बोलिए एक बार मेरे साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। और ये एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, इसका तो आपको शॉर्ट्स भी मिल गया होगा और आपको पता है कि यह भी कल आएगा, सेट नंबर 1 to 10 डिटेल के साथ। वीडियो सेट बना हुआ, आज किसी कारण बस निजी समस्या की वजह से नहीं करवा पाए। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल, संपूर्ण बिहार स्पेशल, 10 से 15 सवाल एक वीडियो से, गुरु जी तक बने के बाद तांडव श्री पीडीएफ ऑफ डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस आपको करा दिया गया है। इन सबों को देखिए और आइए आज का स्टार्ट करते अपना प्यारा सेशन, दमदार सवाल के दमदार सेशन के शुरू कर जाने तनी। ओके, आई बा अपने लोगा लोगन के सेट नंबर 15 है। ओके, डिटेल से करी, कहता वह राज्य जहां तुरंग का अर्थ जंगल होता है, तुरंग का अर्थ जंगल होता है, आपको पता है। दिस सवाल आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9। हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि सवाल आपको आया कहां से है। ये जो आपका सवाल है, ये सवाल आया है आपका एनसीईआरटी के क्लास 9 के सिलसिले। क्लास के 9 में एक चैप्टर है आदिवासी और वनवासी, और उसी में कहा गया है कि तोरण सब जो है ये कहां यूज किया जाता है साथियों, ये झारखंड में यूज किया जाता है। जंगल का अर्थ क्या होता है झारखंड में, तोरण होता है, ठीक ना। तेरी मोहब्बत कुडुक भाषा झारखंड के आदिवासी द्वारा बोली जाती है, कौन सी भाषा, कुडुक भाषा, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तुरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों में 20 लाख से अधिक लोग भाषा के संवाद करते हैं। ओके, और झारखंड सहित, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को भारत बिहार से अलग हुआ था। ओके साथियों, और झारखंड सहित आदिवासी क्षेत्रों में, कई राज्यों का आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय में कुडुंग सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ओके साथियों, निम्न में से किस शहर को, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते, इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा। अब देखिए, गर्म कहवा कहाँ पिएगा साथियों, तो श्रीनगर में, क्योंकि ठंडा कहाँ पड़ता है, श्रीनगर में। तो श्रीनगर शहर में अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं, और सर्दियों के मौसम में ये घुट घुट कर पीने से क्या होता है, इन लोगों का सेहत अच्छा रहता है, सर्दी खांसी नहीं होता है। इनमें से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो आपका क्या है साथियों, नागालैंड और लद्दाख। आपको पता है कि नागालैंड राज्य और लद्दाख अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल सही जवाब। और ये दोनों राज्य है मणिपुर और मेघालय, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश ही है, ठीक ना। तो निम्न से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। अब ऐसा कौन है, ऐसा आपको पता है यह साथियों, क्यों ना, कौवा और, हाँ सही पकड़े हो, कहती है जीते की चाल
बाज की नजर और सर्वेश सर के पढ़ाए हुए पर कभी शक नहीं करते, चीते की चाल बाज की नजर और सर्वेश सर के पढ़ाए हुए पर शक नहीं करते तो बाज और गिद्ध, क्योंकि बाज की नजर जो है बहुत पैनी होती है। कहते हैं कभी कौवा कौवा क्या होता है, बाज के ऊपर बैठ जाता है और सोचता है हमको उड़ना नहीं पड़ेगा चिल, लेकिन क्या करती है बाज अपनी उड़ान बढ़ाते जाती बढ़ाते जाती बढ़ाते जाती बढ़ाते जाती और आकाश की इतनी ऊंची ऊंचाई पर चले जाते कौवा का दम फूलने लगता है और वहां से कूद जाता है वो। कल्पना कीजिए कि आप उस उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया, आप सुरक्षा की दृष्टि के लिए क्या करेंगे? हम उद्यान और पार्क में है, भूकंप आ जाएगा, हम किसी पार्क में खुले जगह पर रहेंगे, ठीक है, पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, निकटतम वृक्ष के नीचे नहीं, निकटतम लंबा नहीं, इमारत से दूर खुले में रहेंगे, बिल्कुल सही, इमारत से दूर एकदम खुले में चैन की सांस लेंगे, पार्क में है तो सुरक्षित है ना, क्योंकि भूकंप आने पर जितना जल्दी हो सके घर से भागो और भाग कर क्या करो, खुद को खुले जगह में पहुंचाओ, और अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो क्या करें, घर के अंदर ही किसी कोने में सर ढककर या किसी मजबूत चीज के अंदर छिपकर सर को ढककर बैठ जाए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रबंधन बीज द्वारा होता है? देखिए चावल तो बीज द्वारा होता नहीं है, बाकी दोनों होता है, गन्ना बीज द्वारा नहीं होता, आलू गोभी होता है, आलू गुलाब गन्ना गेहूं गन्ना और चावल, तो इसमें से कौन सा ऐसा थी हो? सोचिए तो जरा, इसका सही जवाब है आपका बी, प्रबंधन बीजों द्वारा होता है, चावल गेहूं और ओट्स। देखिए एक बात तो है कि चावल का प्रबंधन बीज द्वारा होता है, धान ही लगाते, लेकिन धान का बिचरा फिर खेतों में क्या करते हैं, अलग से बोना होता है, धान का रोपनी भी करना होता है, प्रबंधन बीजों द्वारा होता है। ओके साथियों, कहता है आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं, इनमें से किस शहर समूह का चयन करेंगे? कोलकाता जबलपुर वाराणसी नहीं जाएंगे भैया, पटना हैदराबाद वाराणसी नहीं जाएंगे, भुवनेश्वर पुरी दार्जिलिंग नहीं जाएंगे, दिल्ली कोलकाता प्रयागराज एकदम नहीं जाएंगे, तो इसमें से कहीं गंगा क्या है, कहीं भी गंगा नहीं बह रहा, इसलिए इसका जवाब क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नोबडी कैन। और बिहार में गंगा कितने जिलों से बहती है? 12 जिलों से बहती है। वैसे गंगा कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से बहती है। गंगा सर्वाधिक कहाँ बहती है? यूपी में। बिहार में सर्वाधिक कहाँ बहती है? पटना में। अरे इतना कौन बताएगा, ये सब दिया हुआ थोड़े है, हम बता रहे हैं हम, लेकिन छोड़िए आप लोग इसी को लाइक कीजिए। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग क्या है बताइए, व्हाट द उच्चतम वर्ग, इसका उच्चतम वर्ग क्या होगा आपका साथियों? ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग सृजन है। क्या है? सृजन। ओके, आपको पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था ब्लूम ने, उसने बताया था या समझना लागू विकास विश्लेषण और सृजन, और ये जो सवाल है ये क्या है आपको, पैडोलॉजी बाल विकास से, बाल विकास, एक दो सवाल बाल विकास से आ सकता है। ओके ठीक ना, तो ख्याल रखिएगा हो राजा, ख्याल रखिएगा हो गुरुजी, ख्याल। कहता है ज्ञानात्मक बोध क्या है साथियों? तो ज्ञानात्मक बोध है ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण विश्लेषण मूल्यांकन संश्लेषण मूल्यांकन। ओके तो ये इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम लोग गणित की ओर चलते हैं। गणित का जादू सर चढ़कर बोलेगा, एक बस और एक ट्रेन की चाल का अनुपात 15:27 है। बस और ट्रेन की चाल का अनुपात कितना है? 15:27 है। एक कार 9 घंटे में 720 किलोमीटर, कितना? 9 घंटे में 720 यानी कि 720/9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। बस की चाल की चाल की कहता है बस की चाल की चाल की 3/4 है। ट्रेन 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो बस की चाल की 3/4। अभी ना एक कार इतना घंटे दूरी तय करती है और बस की चाल कार की चाल की 3/4 है। तो कार का चाल निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 9, 8, 72, 80 किलोमीटर पर घंटा, और 80 किलोमीटर पर घंटा है और कहता है 3/4 है, तो 80 × 3/4, 4 × 20, 20 × 60, तो हमारा बस का चाल कितना निकल गया? बस एक बस तो 60/5 यानी कि 5, क्या हुआ? 5 × 15 = 60, 4, तो 27 × 27 कितना होगा साथियों? इसे आपका चाल निकल जाएगा 7 × 28 = 8 बाकी 2 और 4 × 2 = 8 = 9, 98 किलोमीटर प्रति आवर, और 7 घंटे में कितना चलेगा? 8 × 56 = 6, तो 6 इकाई अंक पर ही है, मार दीजिए। वैसे हाँ घबराओ थोड़ा रुक जाओ, ये ऑप्शन भी है तो देख लिया करना, यहाँ तो जो मार दिए वही जवाब है। ओके अगला सवाल है आपके साथियों,
26.4 इंटू 12.5 इंटू 22 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 11 स्क्वायर माइनस 31 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है साथियों, पहले यहाँ आ जाइए, स्क्वायर है प्लस है स्क्वायर, तो पहले क्या करी तब करी भागा, सकल गुना तब जोड़ घटावा, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में पहले जोड़ होता है तो तीनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देंगे बाद में, तो तीनों को क्या जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने के लिए स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करना होगा फिर जोड़ना होगा। तो बताइए 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 प्लस 20 प्लस 121 प्लस सॉरी माइनस 31। जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आएगा रूट अंडर 625 माइनस 31। ये देखिए रूट से बाहर है, रूट अंडर 625 माइनस 31 यानी कि 25 माइनस 31 कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 625 का मान कितना होता है 25 और माइनस 31। ओके, और इधर से सब है तो इस सबको जोड़ घटाओ गुना भाग है, इसको कर लीजिएगा जवाब कितना आएगा 324। कितना आएगा 324, 15 से छोटी सभी आभास संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा, 15 से छोटी सभी आभास संख्याओं को लिख देना है। क्या है साथियों, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, बटे में 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना है और हमारा सवाल जवाब आ जाएगा 6.83। ओके, आदि ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कहता है इतना कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 80,000 की राशि पर 10 वर्ष की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहते हैं जब ब्याज क्या होता है, अर्ध वार्षिक होता है, तो इसको क्या करते हैं, रेट को कर देते आधा और टाइम को कर देते डबल। रेट को कर देते आधा तो रेट हो जाएगा 5% और टाइम क्या हो जाएगा 2 वर्ष, तो 5% का 2 वर्ष का क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 × 2 = 10 और 10 और 5 का 2% कितना होगा, लीजिए 5 से काट दीजिए 5 20 और 2/20 1/10 यानी कि कितना होगा, 1/10 का मान कितना होता है 0.1, कितना होगा 0.1 यानी कि क्या होगा 10.1 होगा, यानी कि आप 8,000 का 10.1 निकालिएगा तो कितना होगा, पहले तो 10 मतलब क्या होता है 1 मतलब इकाई दहाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं गुना 10.1/100 1 जीरो और तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ 3 जीरो कट गया, बचा कितना 80 अस्सी दहिया 80 गुना 101 101 गुना 80 कितना होगा, जीरो आठ आठ, तो क्या होगा 880 यानी कि 8800। एकदम सही जवाब है ना, कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताइए। वैसे तो आप लोग फार्मूलो जानते हैं, फार्मूला क्या है साथियों, तो वही क्या है CI बराबर क्या होता है साथियों, P × 1 + R/100 / T - 1। ओके, कहता है पी और क्यू के औसत तथा ए और आर के औसत के बीच का अंतर कितना है 25 है, तो पी का अंतर कितना होगा, पी और क्यू का औसत और क्यू और आर के औसत के बीच का अंतर 25 है, तो पी और आर का अंतर कितना होगा, देखिए क्या कहते हैं औसत कैसे निकालते हैं, पी प्लस क्यू बटे टू माइनस, माइनस क्या है माइनस है साथियों क्यू और आर के बीच का औसत, क्यू प्लस आर बटे टू बराबर में कितना होगा साथियों 25, दोनों का निकाल लेंगे 2 2 कैल्शियम 2 आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर, ये दोनों कट गया, बचा कितना 25 यानी कि 25 × 50 आंसर कितना आ जाएगा 50। अब पी और आर का अंतर कितना 50। ओके, तो मेरी महबूबा आधी संख्या के 30% का मान 135 से क्या हो जाए 15 अधिक है, तो उस संख्या के 50% का मान ज्ञात कीजिए। कहता है 30% का मान 135 से 15 अधिक है, 135 प्लस 15 कर देंगे। ओके, 135 प्लस 15 कितना हो जाएगा साथियों 150। 150 किसका मान है, 130 का मान है, 150 का मान कितना होगा 150 बटे कितना साथियों 130 गुना कितना 150, तो जीरो से जीरो काट दीजिए और 13 से ही कटेगा, तो काट देना है और काट के क्या करना आंसर छाप देना है, कितना होगा 250, कितना होगा 250। वैसे सीधो कर सकते हैं, इसका 100% ही निकाल लीजिए। ओके, आइए निम्न बार ग्राफ अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ एक कॉलेज के उन छात्रों को संख्या को दर्शाता है जिन्हें 2020 में 6 कंपनियों में नौकरी मिली है।
तो कोई बात नहीं, 6 कंपनी में नौकरी पाया है, ये सब भागशाली आदमी है आप लोग, हम लोग पसीना बाहर हैं। यदि 2020 में कॉलेज के चार साल में कॉलेज के 60 छात्रों को इन 6 कंपनियों में किसी में भी नौकरी नहीं मिली, तो इस कॉलेज के कितने प्रतिशत छात्रों को कंपनी एच में नौकरी मिली? कहता है 60 गो को किसी में नौकरी नहीं मिला। तो नौकरी नहीं मिलने वाला तो कहीं नहीं है, सब नौकरी मिलने ही वाला है, सब अच्छे है, नहीं मिलने वाला को पूछता कौन है? कहता है आदि 2020 में कॉलेज के कहाँ है, ए बी के 60 छात्रों को इन 6 कंपनियों में किसी में भी नौकरी नहीं मिली, तो इस कॉलेज के कितने प्रतिशत छात्रों को एच में नौकरी मिली? एच कहाँ है? एच एच में 36 गो को मिला। टोटल कितना बच्चा है पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि कितना 36/60+180 × 100, आंसर कितना आएगा? 15%। सवाल में कुछ हमको गड़बड़ी भी लग रहा है, घेर दिए हैं, बाद में और देखेंगे अच्छे से। कहता है गोले के एक और गोले दो के आयतन का अनुपात 27:64 है। बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। 4/3 πr² क्या होता है? 4/3 πr³। πr³ होता है, ठीक ना? अब दोनों का अनुपात दे ले है, इसका आर का मान क्या है? गोले एक और गोले दो के अनुपात इतना, तो ये सब तो कट जाएगा 4/3 πr, ये कट गया, ये कट गया, बता क्या R1 का Q, R2 का Q, और दोनों का क्यू है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, अनुपात में है, जिसका मान हो जाएगा 3 और उसका मान हो जाएगा 4। तो कहता है तो गोले के दो पृष्ठ क्षेत्रफल, अब कहता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr 4πr² क्या होता है? 4πr² / 4πr² 2। आर का मान कितना है? 3 का² / 4 का स्क्वायर, तो 3 का² 9, अनुपात 4 का² 16, तो 9 अनुपात 16 क्या हो जाएगा? 9। तो बस दो फार्मूला याद रहना चाहिए, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो आप लोग एक काम कीजिए, जितना भी इसका मेंसुरेशन का फॉर्मूला है सब याद कीजिए, और हम भी याद करते हैं, कल मिलेंगे आपसे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल इतना, आपको पता है कि इसका क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना SCM। तो ये दोनों दिले है, इसमें 6 से क्या करना है, और दोनों संख्याओं का अंतर, अच्छा अंतर 6 दिया हुआ, चलिए एक सेकेंड, अच्छा दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया है? a माइनस b बराबर दिया हुआ है कितना? 6। और कहता है a × b बराबर दिया हुआ है कितना साथियों? a × b बराबर कितना दिया हुआ है? तो a × b बराबर दिया हुआ है 216। अब यहाँ पर हमको एक फार्मूला से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फार्मूला का काम होगा नहीं, और वो फार्मूला क्या है साथियों? तो फार्मूला है एक फार्मूला होता है क्या चीज, ये a + b देता है दो संख्याएं को, अच्छा संख्याएं है पूछ रहा है। वैसे तो हम यहाँ क्वेश्चन से भी कर सकते, 6 और 36 का अंतर, तो 6 नहीं होगा, नहीं होगा, 12 और 18 का अंतर 6 हो जाएगा, और इसका जब एलसीएम निकालेंगे 216 हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं होगा 6, यहाँ नहीं होगा, तो एक ऑप्शन ही लग रहा है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट टू निपटा सकते ऑप्शन से, जरूरी थोड़े है उतना दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने वाला तनिक इसमें देखेंगे। कहता है a/b/c बराबर 3/2/4 है, b/d = 2/3 है, तो इतना का क्यू, तो सबका मान बैठाइए और क्यूब करिए, सबका मान क्या कीजिए? पुट कीजिए और क्यूब कीजिए, कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। कहता है 16,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 10 या 30, 16,000 का कितना निकालना है साथियों? 30% लीजिए, एकदम 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, उसके बाद 16 48 और 2 जीरो बैठा दीजिए, 4800 2 जीरो बैठा दीजिए, 4800। ओके, कहता है डॉक्टर डॉक्टर DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? DPT डिप्थेरिया और काली खांसी के लिए लगाया जाता है, डिप्थेरिया काली खांसी, ओके, और किसके लिए? टेटनस। DPT का टीका डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टेटनस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो उपयुक्त में से क्या होगा? सभी होगा। कहता है पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मतलब पारिस्थितिकी का जो पिरामिड है
उसे सबसे पहले किसने बनाया था? तो उसे बनाया था चार्ल्स एटन ने। कौन बनाया था? चार्ल्स एटन ने। ओके। और पारिस्थितिकी पैरामीटर मीटर में 10% वाला ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर ए लैंडमैन ने। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का कार्य है, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है साथियों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, इसमें रुधिर प्रसंचरण बढ़ाना, इसकी कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन के भंडार को बनाना, एक एस्ट्रोजन के सहयोग कर स्तन के विकास में दुग्ध ग्रंथि को सक्रिय करना, ये सब किसका कार्य है साथियों? और यह गर्भाशय की कमी होने पर यह सब पीरियड, तो ये सब किसका काम है? उपरोक्त में से सभी इसी का कार्य है। मम्स मम्स एक क्या है? मम्स एक बीमारी है, लेकिन आप बताइए कि ये बीमारी होती किससे है? ये बीमारी होती है वायरस रोग से। क्या है? बम्स एक वायरस रोग है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? छोटी माता बड़ी माता कहते हैं, ठीक ना साथियों? क्रिकेट के गेंद में 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36-30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या है? यहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन दे दिया, तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि यहाँ आप लगा दीजिए u² sin थीटा u² sin थीटा / 2g, और फार्मूला से जब पुट कीजिएगा तो आपका आएगा 2.81। हमको कहलाता है ये सवाल तो आएगा ही नहीं, ये तो ना प्रोजेक्टाइल मोशन और शिक्षक भर्ती पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन है, उसके बाद क्या जर्मेनियम है, ये दोनों है, सेलेनियम और गैलियम ऑक्साइड, बताइए बताइए कौन नहीं है? तो इनमें से सभी क्या है? अर्धचालक है। सभी क्या है? अर्धचालक है। आपका जवाब क्या होगा? ई होगा। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होते हैं, चालक कहलाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं, और गर्म करने पर क्या होता है? उसका चालकता घट जाता है। किसका? चालक का। लेकिन अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना है? पृथ्वी के चुंबकीय कोण पर नति कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का नमन कोण का मान 90 डिग्री है। नति कोण संपूर्ण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इसके पृथ्वी क्षैतिज घटक के साथ बने कोण को नति कोण कहलाता है। इसका निर्माण मान विषुवत रेखा पर 0 डिग्री हो जाता है, जबकि ध्रुव पर 90 डिग्री होता है। ओके। और पृथ्वी के दोनों अक्ष पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखा के भौगोलिक यमांतर कहलाती है। ओके साथियों, अगला है कथा, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से एक नहीं है? देखिए केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था। एक ग्रह का ग्रह पथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है। कथा एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ में अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है, और कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। आप बताइए उपयुक्त में से क्या होगा? उपयुक्त में से होगा कौन सा नियम एक नहीं है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता, द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। तब ना क्या है, पृथ्वी पर से नासा भेजा 75 किलो का, इंडिया 85 किलो का भेजता है, 100 किलो का भेजता है, क्या होता है? सब सही से घूमता है। ओके साथियों, आइए आगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहते थे? फ्रंटियर गांधी कहते थे, क्योंकि जो काम गांधी जी इधर करते थे वही काम खान अब्दुल गफ्फार किधर करते थे? तो पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने स्टार्ट किया था लाल कुर्ती। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, और हुआ है क्या है? अनुच्छेद 352 में। ओके, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कहिएगा सर अनुच्छेद 74 में, तो अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल ने क्या है? मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। जब आप प्लेटफॉर्म का डिस्कशन में कभी देखे होंगे तो उस वहाँ 74 करा देता है। सर घबराइए नहीं, हम एकदम सही करा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण क्या है आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक यौगिक से सक्रिय होते? आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण अवकरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन? वर्ग 18 में, और रासायनिक रूप से सक्रिय रासायनिक रूप से और सक्रिय तत्व रहता है। तो वैसे तो जवाब ए दिया हुआ है, लेकिन ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। कहता है सी कार्बन C6H14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है? तो मूलभूत कणों की संख्या है साथियों आपका 14 है। कहता है परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या क्या है? 6 14 6 20 14 6
बीस चौदह छः, बीस चौदह छः, बीस। ओके, तथा वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, ठोस के रूप में, रूप से द्रव अवस्था में, तो ये क्या है, जल है। इसी वजह से क्या होता है, बर्फ जो है वो पानी पर तैरते रहता है। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। कैंसर के समस्थानिक के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, कार्बन जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए, पांच वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समानता होता है, पांच वर्ष की आयु में किसी बच्चे को कितना दांत होगा, तो 20 का 20 दांत उसका निकल गया होता है, कितना दांत। देखिए यह बताया जाता है कि किसी बच्चा को 16 तो किसी को 20। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा जो है ये फ्रुक्टोज होती है या डी ऑक्सीराइबो यूज होती है, क्या होता है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक ना। और आपका कहता है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। पादप सबसे ज्यादा क्या चाहता है, कहता है भैया नाइट्रोजन दो। ओके, कहता है हिकेटियर द्वारा, हिकेटियर द्वारा, ओके, हिकेटियर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों के किस संघ में रखा गया है, तो हिकेटियर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीव को मनोरा संघ में रखा गया, मनोरा प्रोटोजोआ, ये सब जानवे करते हैं आप। निम्नलिखित समीकरण में सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आपको ऑप्शन रखना है और ऑप्शन रख के क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, इसका सी होगा। गुना को क्या कीजिए, गुना को बदल दीजिए भाग में और भाग को बदल दीजिए गुना में, तो पहले भाग दीजिए कितना होगा, 128 सोलह गुना 32 बटे 128। अब क्या है, 16 8 28 7 से 8 और 8 चौका 32 4, तो यहाँ ये सब कट के कितना आ गया, 4 प्लस 9 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13 माइनस 17 यानी कि माइनस 4, सही है। ओके, अब कहता है खोलना है, तो जैसे जैसे खोलना है तो पहले इधर खोलिए, इधर खोलिएगा तो क्या आ जाएगा, दिल बरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा तो यहाँ, फिर ऐसे खोलिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा साथियों, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये खुला, ये ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या चीज, दिल, और यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे, और यहाँ हो जाएगा दिल, और यहाँ हो जाएगा ऐसे, और यहाँ क्या रहेगा तो यहाँ ये वाला रहेगा। अब ऐसा वाला आप खोजिए, कहता है ये चारों में तो स्क्वायर होना चाहिए, ई नहीं होगा, ये चारों में स्क्वायर है, ई हो सकता है, ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो एकदम सही जवाब क्या है आपका, ई है, ए है, सही जवाब क्या है, ए है, कोई दिक्कत नहीं। तुमने मुझे ऐसे चाहा, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया, ओ साथ, देख लो भाई, देख लो गुरु जी, अगर चाहिए कन्या निम्न तो पढ़ के लेना होगा सरकारी नौकरी निम्न। ओके, तो दबा के लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ये सब सीक्रेट गप है और हम सिर्फ आप ही को बता रहे हैं। सभी सभी एस टेक छात्र हैं, सभी क्या है, एम टेक छात्र हैं, सभी एम टेक छात्र हैं, सभी क्या है, एम टेक, सभी एम टेक जो है क्या है, छात्र है। ओके, कहता है सभी एल 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 एम छात्र वकील है, सभी एल एल एम, एल एल एम छात्र, छात्र क्या है, ये वकील है, क्या है, वकील है। ओके, अब कहता है सभी वकील एलएनएम छात्र हैं, तो सभी एलएनएम वकील क्या है, छात्र है, लेकिन इसका एक नंबर निष्कर्ष से हम संतुष्ट नहीं है, क्यों नहीं है, कि सभी तो नहीं हो सकता है, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, एमटेक छात्र, देखो इधर से इधर कुछ आएगा लेकिन सभी तो नहीं आएगा, बाजे से यहाँ कहेंगे कि यह प्राकृत संख्या और यह है पूर्ण संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये भी गलत है, तो ना तो एक ना तो दो, हमने किसी से संतुष्टि प्राप्त नहीं की। एक निश्चित कुट भाषा में कुछ को 90 लिखा जाता है, अब इसमें क्या करना है, सी का 3 होता है प्लस 15 होता है प्लस 1 होता है प्लस 3 होता है प्लस क्या होता है 8 होता है, अभी सबको जोड़ के देखेंगे तो किसी भी हालत में हमको 30 तो नहीं, 15 तो नहीं पूरेगा, लेकिन यहाँ 30 आएगा, तो 30 गुना 3 कर दिए, यहाँ भी आ गया कितना साथियों, यहाँ आ गया आपका 70, और 70 गुना 3 कर दिए, यहाँ भी सबको जोड़ देंगे नॉइज में, एन का मान कितना होता है 14 15
चौदह प्लस 15 प्लस आई का मान कितना होता है साथियों, 9 प्लस 19 प्लस 5, इस सबको जोड़ना है, जोड़िएगा तो कितना आएगा 62, 62 आएगा, 62 में गुना किससे कर देना है, 3 से कर देना है, 3 छोटी है, 3 दुना 3 दुना 6, 3 दुना 6, 6। अब देखो 6 से गुना करके यहाँ आंसर नहीं आता, कितना से होगा 2 से, ओके इसका जवाब कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से गुना किया 62 दुना 124, ओके साथियों। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, वैसे यहाँ सब में 3 से गुना हुआ है तो यहाँ 2 से गुना नहीं होगा, अतः इसका आंसर अगर क्या है देखिए 3 दुना 6 6 और 6 दुना 6 18 1 19 196 नहीं है, इसका जवाब क्या होगा, ये होगा दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता हो, बी के आर एन डी एन भी, तो देखिए बी से कितना बढ़ा प्लस 2, के से कितना बढ़ा प्लस 2, आर से कितना बढ़ा प्लस 2, फिर डी से प्लस 2, फिर यहाँ एफ के बाद जी एच, एच वाला तो है 2 गो है 3, अरे भैया 3 गो है, एच ए वाला 3 गो है, अच्छा कोई बात नहीं क्यू से बढ़ाइए 2, एस एस है ये आ गया, क्या है डी नंबर, क्या है डी नंबर, ओके साथियों। अच्छा यहाँ प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 3 हो गया साथियों, प्लस 3 फिर प्लस 4 होगा, और 4 होगा तो ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारा एच टी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एच टी डी आएगा, बढ़िया से वहाँ लिख कर कहता वर्गों में दिए गए वर्गों में वर्ग की संख्या, देखिए इसमें कितना है, इसमें आपका ऐसे बनाते हैं कितना हो गया वर्ग, इसमें आपको वर्ग न पूछ रहा है तो बताइए एको वर्ग बना इसमें नहीं बना, ये जो लाइन है ये फालतू लाइन है, ये लाइन क्या है फालतू है, इससे कहीं कोई वर्ग नहीं बनेगा, वर्ग बनेगा किससे इससे, कितना बनेगा तो 1 2 3 4, तो बड़ा वाला वर्ग में 4 और छोटा वाला वर्ग में 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अच्छा छोटा वाला में 4 को नहीं बनेगा, 2 1 बनेगा 1 और 2, यहाँ तो है ही नहीं ना, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। कहता वन आरेख में स्तनधारी जेबरा पशु, देखिए स्तनधारी है जेबरा है और पशु है, तो सबसे पहले होगा पशु और पशु का अंतर क्या होगा स्तनधारी, और जेबरा क्या है जेबरा स्तनधारी ही है, जेबरा क्या स्तनधारी है, तो लीजिए कहता है यहाँ दर्पण है तो 5 का क्या हो जाएगा, उसके बाद डब्लू का क्या हो जाएगा, ओके डब्लू का इन होगा साथी, साथी साथ बढ़ाना नहीं, डब्लू का ऐसे होगा तो इधर नीचे वाला जो झुका है वो तो कट गया, ऊपर वाला ठीक है, उसके बाद क्या होगा 5 5 हो गया साथियों, 5 5 के बाद क्या आएगा आपका पी ऐसे है तो पी ऐसे आएगा, ठीक है उसके बाद 4 ऐसे है तो ऐसे आएगा, ओके उसके बाद आर ऐसे आएगा, उसके बाद एफ वैसा, देखिए कहाँ है आर ठीक है, यहाँ 4 उल्टा कर दिया, उल्टा थोड़े होगा भाई, ई ने पलटेगा तो उन्हें होगा, यहाँ भी 4 क्या किया है 4 पलटाया है यहाँ, ई तो सही है लेकिन 4 इधर ही कर दिया इधर, इसका जवाब क्या होगा ई होगा, कोई नो सटीक ने, यहाँ आर देखते हैं आर सीधे चर छोड़ दिया है, यहाँ पे क्यू सही नहीं है, यहाँ पे तो डब्ल्यू एस ने है, ठीक नेफ्रोलॉजिक का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजी का किससे है हृदय से है, ओके कहता है इसको क्या करना है शब्द कोश के अनुसार सजाना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यू एन यू एन ई यू एन ई यू एन ई यू एन ई यूएनई यूएनई सब में है, यहाँ पर यूएनसी है 2 नंबर में आएगा और 2 नंबर पहले है तो ठीक है, उसके बाद आपका 5 नंबर तो आना ही आना है, देखना भी नहीं है, उसके बाद 3 आएगा कि 1 आएगा देख लेते हैं, तो 3 क्या है यूएनई एक्स, यूएनई एक्स है यहाँ और यहाँ क्या है यूएनई एम है, ई एम है, तो कैसे पहले 5 आएगा तो पहले 1 वाला तो काट दीजिए, 1 वाला काट दीजिए,
अच्छा 5-1 तक तो कुछ देखने नहीं था हमको, 4 में 2-5-1, 2-5-1, अच्छा 2-5, 2-5 सही है, 3 और 1 में देखना है ना, तो 3 यहाँ है, UNEX और UNEV, तो पहले आएगा 1, तो पहले कौन आएगा, 1 आएगा, 2-5-1, 2-5-1, 3 वाला गया, अब ये दोनों बचा है, अब 1 और 4 और 3 में देखना है कौन आएगा, तो 4 में क्या है, UNEX, UNEX, P, P, अब P के बाद ही है, तो पहले 4 आएगा, तो आपका सही जवाब क्या होगा, सी होगा, 48 का सही जवाब क्या होगा। ओके साथियों, कहता है देखिए, निश्चित कूट भाषा में चाइल्ड वर्ल्ड डी एन हिडेन को IGECDM लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या कहता है, FEELOW फॉलो को क्या लिखा जाएगा, तो क्या कहे तुमको, +1 +1, एफ का +1, ई +1, सब में +1 कर रहे हैं, एफ +1, ई हुए, तो सब में क्या करना, +1 +1 करना, 3 गो में और 3 गो में -1 -1 -1, GFM क्या आएगा, GFM, तो GFM इसी में है, यदि सफेद को काला का तो सब छोड़ दीजिए, सीधा पढ़िए, स्टॉप सिंगल लाइट रंग क्या होगा, स्टॉप स्टॉप सिग्नल, स्टॉप सिग्नल का लाइट लाइट का रंग क्या होगा, देखिए स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग कहता है, यदि सफेद को काला तो स्टॉप सिग्नल का रंग क्या होता है, लाल, और लाल को हरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल को हरा, क्या होगा, हरा होगा, लाल को कहा जाता है हरा, तो क्या होगा, हरा होगा, हरी थी मन भरी थी, लाला जी के खेत में दोसला और एक खड़ी थी, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आते हैं, ऐसा सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर हिट कर गया तो एक बार में बनता है, और हिट नहीं किया तो आपको क्या करता है, बीट कर देता है साथियों, 6-5 11-1-1 और 1-1-2 1-3 31 31 2 ना 2, तो 2 1 2 6 एकदम, बस ये दोनों को जोड़ना है, 33 9-3 9-9 10 11-12-1-2 बाकी 1 1-3 1-4 1-5 52 2 52 2 4 5 5 10 104 एकदम, ये तो हिट कर गया, हिट कर गया तो एक बार में फिट हो गया, और न हिट किया तो बिल्कुल फिट नहीं हुआ, इसमें तो आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन है, और इस तरह का हमको नहीं लगता है कि ब्लड रिलेशन आप लोग में पूछेगा, नहीं पूछेगा, वैसे पूछ ही हो सकता है, इसमें कोई हार्ड थोड़े है, कराई भागा एफ है, अब देखिए भागा का अर्थ होता है पी क्यू की पुत्री है, मतलब ई क्या है, ई जो है एफ का क्या है, पुत्री है, ये पुत्री है तो ये क्या होगा, पिता होगा या माता होगी, ये क्लियर नहीं है तो चलिए रखते हैं, लेकिन इसका पुत्री का क्लियर हो गया तो इसको गोल कर दिए। अब कहता है क्या चीज, जोर का अर्थ एफ और जोर जी, एफ और जोर जी, तो जोर का अर्थ होता है पति पत्नी, कहता है पी क्यू की क्या अर्थ है, पी क्यू का पिता है, पी क्या है, पी क्यू का पिता है, तो ये जो है किसका पिता है, इसका पिता है, अब लीजिए ई भी पिता हो गया, और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ क्या है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी क्या है, पी मतलब पहले वाला पाद वाला का पुत्र है, तो पहले वाला ई है और ई पुत्र है, तो ई होगी माँ, ई हो गई माँ, ई हो गया पापा, पुत्र व्यंजक ई का आई से क्या संबंध है, आई का आई, आई भाग का अर्थ क्या है, वही पहले वाला क्या है, पुत्री, पी क्या है, व्यंजक ई का ई और आई का क्या संबंध है, ई यहाँ है यहाँ, और बेटी के बेटी की बेटी क्या होती है साथियों, बेटी की बेटी नतनी, बेटी की बेटी नतनी, ओके ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नतनी हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है, 15 आप 15 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, ओहो 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस कितना, 225 प्लस 6, अच्छा ठीक है, अब 16 का स्क्वायर कीजिए तो हो 16 का स्क्वायर कीजिएगा 256 आएगा, 256 प्लस 6 6 12 है, अच्छा सही है, जिसका ई आएगा, चलिए ई मार देते हैं, अब कहता है यहाँ, तो देखिए पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हुआ है, जरूर गिनने हम कहीं गलती हुआ है, नहीं तो होगा क्या चीज, कुछ ना कुछ तो अच्छी पर होगा, चलिए 20 हुआ है तो 4 4 का लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का बना दिए, तो टी के बाद क्या है, टी के बाद हमेशा आर आ रहा है, टी के बाद आर, टी के बाद आर, टी के बाद आर, टी के बाद आर, आर के बाद, आर के बाद डी, आर के बाद डी, आर के बाद डी, आर के बाद डी, डी के बाद आर, लीजिए एक के बार में सब निपटा दिए, और डी के बाद क्या है, डी के बाद एस, डी के बाद एस, लीजिए कहाँ है,
देख लीजिए, RTRTD RTDS RTD, एक नंबर एक नंबर क्या है सही। इसी तरह क्या करना है आपको, संख्या गिन लेना है, भाग में बांट देना है और निपटा देना है। कहता है निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन किसी ना किसी प्रकार एक समान है ये और एक भिन्न है, तो भिन्न अक्षर समूह को खोजिए। तो खोजा जाए भिन्न को, देखिए सब में क्या है, -3 -2 -1 का अंतर है, -3 -2, बस इसमें क्या है -4, तो ये क्या है गड़बड़ है। कहता है उस विकल्प को दी गई आकृति में घुमाने पर अनुमानित नहीं है। कहता है देखिए घुमाना घुमाने की अनुमति नहीं है, अब खोजना है। कहता है कि उपयुक्त में से कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब इसके अंदर ई आकृति छिपा होना चाहिए। तो ई तो है ई वाला, लेकिन ई ऐसे नहीं है, ई ऐसे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ई वाला दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ई तो यहाँ है, यहाँ होने के बाद ये जो ऐसे घूम रहा है, ई बताइए बताइए कौन सा अंतर नहीं था। अच्छा ई अंतर नहीं लग रहा है ना, कुछ कुछ लग रहा है, ई कहाँ है। आइए 57 में चलते हैं। यदि पी का अर्थ योग है, डी का अर्थ घटाव है, तो जो जो दिया हुआ है उसे कर दीजिए। पी का मतलब जोर है तो जोर, और क्यों डी का अर्थ घटाव है तो घटाव, और क्या कहते हैं एस का अर्थ गुना है तो गुना, एस का भैया यहाँ है तो गुना है तो गुना, और वी का अर्थ भाग है, वी का अर्थ भाग है तो भाग, और डी का अर्थ घटाव है तो घटाव, और एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है गुना तो गुना करके सबका साइन लिख दिए। अब क्या करना है, बोर्ड मास्टर से सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा -75। कहता है एक पासे में, अब देखिए पासा वाला भी आ गया, एक पासे में तीन बार फेंका जाता है, इसकी विभिन्न स्थितियां इस प्रकार है, दिए गए विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन कीजिए। अगली संभावित स्थिति लाना है, मतलब अगला स्थिति कौन हो सकता है, बस एक क्यों चीज करना, हमको स्थिति स्थिति का पता नहीं है, हमको बस इतना पता है कि जो एक दूसरे का अपोजिट है उन्हें आएगा। देखिए ई वे बी है, ए है, बी है ए है, ई है, बी है ए है, ई है, यहाँ सी है, यानी कि सी का अपोजिट क्या है, ई है, तो सी और ई एक साथ नहीं आ सकता है, सी और ई एक साथ नहीं आ सकता है, सी और ई एक इसमें नहीं आया, ई दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब इसमें से देख लेते हैं, ए है एफ है, ए है एफ है और ई है, ए है एफ है और ई है, ए है एफ नहीं है, ए है और ई है, तो बी का अपोजिट क्या है, एफ, तो बी का अपोजिट क्या है, एफ, तो बी और एफ एक साथ नहीं आ सकता है। तो देख लिए एफ और ए आया है, एफ और ए तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सी सी और तो क्या है, ये दोनों हो गया, सी का अपोजिट ई और बी का अपोजिट क्या है, एफ, तो बच गया क्या, बच गया डी के अपोजिट ए डी ई, डी का अपोजिट ए आएगा, ए नहीं आएगा, ये आपका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। ओके कोई समस्या हो तो बोलते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है, फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है हरमनप्रीत कौर को, किसे मिला है, हरमनप्रीत कौर और एस एल गार्डनर महिला श्रेणी में दोनों को मिला है, ठीक ना। कहता है कुंवर सिंह के विरुद्ध आराम अंग्रेजी फौज का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन डर्मर ने, कैप्टन डर्मर ने किया था, और कुंवर सिंह के विरुद्ध आराम अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डर्मर था। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इसके भाई अमर सिंह ने किया, अंत में विलियम टेलर ने विंसेंट आयर ने यहां विद्रोह को दबा दिया। बलिया के समीप अंग्रेज के साथ युद्ध में विजयी होने के बाद 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में वीर कुंवर सिंह ने कैप्टन लिग्रांड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का क्या क्या पराजित किया। ओके और इनके हाथ में गोली लग गया तो हाथ को काट के गंगा मैया को चढ़ा दिए। ब्रिटिश निर्मित उत्पाद का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या बनाना चाहता था, भारत एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में आया था। 14 अप्रैल 2023 को भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, हैदराबाद में किया गया। ओके
अगला है, कहता है किस राज्य ने ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ज्योतिबा फुले कहाँ के थे? तो ये तो थे आपके महाराष्ट्र के, लेकिन कौन सा राज्य है जो ज्योतिबा फुले की जयंती पर, ये राज्य है आपका राजस्थान। ओके, कहता है मनरेगा योजना के तहत लगातार चौथे वर्ष व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। अप्रैल 2023 में DRDO में उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा आपको कहाँ, IIT हैदराबाद में। निम्न में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ का भारतीय क्या है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि 1836 35 36 में इसने क्या किया था, प्रेस से सारी प्रतिबंध हटा लिया था। 2 जुलाई 2023 को अक्षय रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? तो 2 जुलाई 2000 अक्षय रिवर क्रूज का शुभारंभ किया अमित शाह ने। ओके, कहता है भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? तो टीपू सुल्तान का। किसका है? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने चतुर्थ अंगुल मैसूर युद्ध में मरते हुए यह शब्द कहा था। ओके, मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? तो मद्रास में कौन सा दुर्ग है साथियों? सेंट जॉर्ज दुर्ग। बिहार का पहला रामसर स्थल तो एक के मात्र है क्या? बेगूसराय में कांवर झील। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? अमार सोमार बांग्ला के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रांस में स्वतंत्रता स्वतंत्रता ये सबको हुआ था 1789 में, स्वतंत्रता समानता और भारतीय इसे क्या कहते हैं? बुजुर्गा वर्ग की क्रांति। पंचायती राज्य विषय निम्नलिखित में से किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची से। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाइयां थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्यापन की मूल्य मूल्यापन की कठिनाई और ए और बी दोनों, ये दोनों था। अब मान लीजिए आपको चाहिए रोटी और हमको चाहिए ही नहीं बात, तो फिर बदला बदली होगा कैसे? निम्न में से भारत का सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा है? प्रति व्यक्ति GDP में सर्वोच्च रैंक होने के साथ इसकी GDP विशालतम है, ये कौन सा आपका? महाराष्ट्र है। ओके, तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि तुमसे मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन तुमने समझा नहीं और तुमने निगाह कबूल करवा लिया। देखो आज मैं DM हूं, देखो आज मैं BPSC शिक्षक भर्ती में सेलेक्टेड हो, तो इसलिए क्या करना है, मेहनत करते रहना है, तो उसको भी जलाना है, उसके बाले को भी जलाना है, तो नौकरी तो लेना होगा ना, बिना नौकरी नहीं मिल तो बाप कहे छे सुन रे बेटा, पहले नौकरी तब छोकरी, बेटा कहे छे सुनो हो बाबू, अब पहले छोकरी तब नौकरी वाला हाल गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्त किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के, और प्रति व्यक्ति आधार पर भारत क्या है 128वें रैंक पर है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो तारी विरोधी आंदोलन दलितों के द्वारा न चलाएगा, तारी आज भी कौन उतारता है? दलित उतारता है, लेकिन आप दलित तारी पिता है ना, तो यहाँ विरोध करना था, विरोध तो महिला न करती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में की गई थी, और इसके जो लीडर बने थे वो लीडर कौन बने थे आपके? मणिधर नारायण राय, MN राय बने थे, MN राय। ओके, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसी ने की थी। निम्न में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में होने के कारण मतदाता ज्यादा रहे कि कम? लोकतंत्र नहीं, भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अभाव के कारण एकदम अभाव है। भारत का निर्वाचन सबसे अधिक खर्चीला होने के कारण नहीं, बिना भेदभाव के सभी को 18 वर्ष से अधिक आयु को 61वां संविधान संशोधन द्वारा मत देने के अधिकार के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये भाग नहीं है, भाग नहीं है बोला था गोलकनाथ बाद में, लेकिन केशवानंद भारती में बाद में तो बोला कि क्या है, भाग है, सॉरी गोलकनाथ बाद में भी बोला था भाग है, लेकिन केशवा बैरूबारी बाद में बोला था कि क्या ये संविधान का भाग ही नहीं है, प्रस्तावना को संविधान के भाग की श्रेणी से बैरूबारी बाद में हटा दिया गया था। ओके, निम्न में से किसको, तो ये हमारा हो गया था गलती, इसको घेर देते एक बार पढ़ लेंगे। निम्न में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो नए राज्यों को बनाने तथा वर्तमान राज्य की सीमा बदलने का अधिकार किसको है? संसद को है। कहता मोंटेग्यू चेम्सफोर प्रस्ताव किससे संबंधित था? जो सामाजिक सुधार शैक्षणिक सुधार संबंध, ये उपरोक्त में से वो एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक था, इसमें लगभग क्या था वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट था आपका संवैधानिक सुधार, और संवैधानिक सुधार होता तो सब सुधार हो जाता, आप लोग ये भी मार सकते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैगनिक किरणों को अवशोषित करती है? वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो मीथेन नहीं करती है, ओजोन करती है, O3। नाइट्रोजन नहीं करती है, हीलियम भी नहीं कर सकती है, तो क्या कौन कर रही है? ओजोन कर रही है।
आपको तो पता ही होगा कि वायुमंडल में जो अच्छे क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, ओजोन है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन है, सीएफसी है उसी को कहते हैं, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह जो है सियाचिन हिमनद से, इसमें तो कोई नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी चोमू यांगमुडू हिमनद से निकलती है, कहाँ? मानसरोवर झील के पास। इसकी समुद्र तट ऊंचाई 5,150 मीटर है, और भारत और ये इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में 916 किलोमीटर बहता है। ओके साथियों, दक्षिण गंगा और क्या कहता है, सियाचिन से दुबरा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना, और गंगोत्री से गम, और बारालाचा दर्रे के पास से कौन सा साथियों? तो बारालाचा दर्रे के पास से 17 दिन निकलते हैं। बिहार राज्य ने किस शहर को बर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है? बर्मी कंपोस्ट का जिला किसे माना जाता है? तो बेगूसराय को बर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जाड़े में किस देश से चक्रवात आकर भारत में वर्षा होती है? तो भारत जाड़े में क्या आता है, तो चक्रवात कहाँ से आएगा साथियों? तो उत्तर पश्चिम से आता है चक्रवात, और भारत में वर्षा करा देता है। अच्छा, जाड़े में वर्षा हो रहा है तो दक्षिण पूर्व से, चक्रवात पूछा है वो भूमध्य सागरीय हवाएं नहीं पूछा है। कहता है हाजीपुर किस खेती, आम, केला, केला हाजीपुर में केला। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता किसे माना जाता है? नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता किसे माना जाता है साथियों? ये जन्मदाता माना जाता है लेनिन को, मार्क्सवाद का जन्मदाता। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किसमें? कठोपनिषद में, कठोपनिषद। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकाज की भाषा क्या है? तो राजकाज की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, संयुक्त राज्य अमेरिका की। वैसे तो चार भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, चीनी चीनी को नहीं है, रूसी, अरबी, स्पेनिश नहीं था, अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और ये भी क्लास राजकाज की भाषा तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन यहाँ आंसर क्या है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ये महासभा कहता ना, तो ठीक रहता, यहाँ पर आना चाहिए महासभा, क्योंकि न्यायालय भी तो है, न्यायालय अपना जो है इसी में देता है खाली, इसलिए थोड़ा कर। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले कहा जाता था साथियों, क्या कहा जाता था? तो पहले इसको कहा जाता था टोरी। क्या कहा जाता था? टोरी कहा जाता था। ओके, टोरी पार्टी के नाम से जाना जाता था ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी को। ब्रिटेन के दक्षिण पंथी विचारों वाली धारा वाली पार्टी कहा जाता है। ओके, यह पार्टी ग्रेट ब्रिटेन के पुरातन प्राचीनतम से जोड़ने का प्रयास करता है। लेबर पार्टी ब्रिटेन की दूसरी महत्वपूर्ण पार्टी, लेबर पार्टी वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती है। फेबियन क्या है? एक विचारधारा है। ओके, गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? गवर्नमेंट साइमन कमीशन रिपोर्ट पर। किस पर आधारित है? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ओके, भारत में संविधान में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। किसने कहा न्यायपूर्ण समाज हुआ है जिसमें परस्पर समान समान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलाकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे? तो करुणा से भरे समाज का निर्माण करे ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है? तो 14वें नंबर के। भारतीय किसान सिंचाई के लिए किस संस्थान पर आश्रित है? भारतीय किसान मानसून पर, ज्यादातर तो भारतीय किसान मानसून पर, वैसे तो नहरों पर भी है और कल तो इसलिए उपयुक्त में से होगा सभी, लेकिन मजाक था कि वैसे भी आपको पता है कि भारतीय कृषि क्या है? मानसून का जुआ। निम्न में से दीर्घकालिक कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो ये नबार्ड। कौन है? नबार्ड है, लेकिन यहाँ नबार्ड ऑप्शन में नहीं है। नबार्ड जब ऑप्शन में नहीं है तो आपका जवाब क्या होगा? भूमि विकास बैंक। क्या होगा? भूमि विकास बैंक सबसे ज्यादा दीर्घकालिक लोन देता है। कहता है नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम क्या है? बंगाल विभाजन 1905, केंद्र सरकार की राजधानी 1911, कांग्रेस विभाजन 1907, मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो कह रहा है सबसे पहले क्या होगा? एक एक के बाद चार, एक चार एक चार एक चार एक चार एक चार एक चार, तीन 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 दो, एक चार तीन दो, एक चार तीन दो। पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ देता है।
पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ देता है ग्रीन गैस जीएनपी पे। और ग्रीन जीएनपी का मतलब क्या होता है, ऐसा जीएनपी बनाइए जो क्या हो, चिरस्थायी हो। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? तो 1 रुपया का सिक्का जो है तत्कालित मिंट किया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में, और इसका नाम भी रखा गया था रुपया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर एवं विकास अवरुद्ध अर्थव्यवस्था थी। ओके साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसे किसने हराया था, बाबर ने हराया था। साथियों, मेरी मोहब्बत को तुम इस तरह से, मेरी मोहब्बत को इस तरह से तुम जलील मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, ये तुम मानो या ना मानो, मैं हर पल तुमसे यही कहता हूं। तो पढ़ाई से इतना मोहब्बत करना है कि पढ़ाई आपको जलील ना कर सके, आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचा सके। एलोरा के सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा का कृष्ण प्रथम ने, किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम। तुम जो आती है, एलोरा का जो मंदिर है वो एक ही गुफाओं को काट कर बनाया गया है, एक ही पत्थर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बिहार में का क्रम है 12वां। प्रत्येक प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार देश के स्थान पर प्रत्येक कोष की आवश्यकता के अनुसार या सिद्धांत में से किसका दिया? देखिए, क्षमता के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार काम दीजिए। यह कथन जो है किसका कहा हुआ है, तो साम्यवाद का कथन है। किसका है? साम्यवाद का। तथा मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी में से किस देश की देन है? ये तो देश है, यह है यूनाइटेड स्टेट। क्या यूनाइटेड स्टेट की देन है? यूनाइटेड स्टेट या ब्रिटेन? अरे भैया, ब्रिटेन हो या यूनाइटेड स्टेट हो, काहे तुम इतने घर बनाते हो, एक ही ऑप्शन को डबल लगाते हो और फिर ऑप्शन डी देते हो, तो ये काहे देते हो? और हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? और हस्तक्षेप की नीति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, अभिनंग है। यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं, एकदम खूब कमाइए, खूब बढ़िए। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना निर्धनों की संख्या अधिक है? बिहार के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या ज्यादा है तो निर्धन भी ज्यादा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश का खूब भिन्न विकास हुआ है। हो, नबार्ड एक प्रमुख क्या है, क्या है नबार्ड का मुख्य कार्य है? साथियों, ग्रामीण साख संचालन। एक परिवार में 4 लोग हैं, इन 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है, पिता की आयु 50 वर्ष है, माँ की आयु 46 वर्ष है, पुत्री की आयु 20। हो तरीके, 32 × 4 कर दो भैया, 32 × 4 कर दो, वो तो 4 × 2 = 8 है, 4 × 3 = 12 है, 128 में आई सबके जोड़ के घटाए देख छे, ये सबके जोड़ के घटाए दबो तो जे अतो तुहर सही संख्या वो 12 होता। तो पुत्रवा के आयु बेटवा के आयु कते से 12, 10 के पहले 6 गुणज का औसत क्या है? पहले 6 गुणज निकालना है, गुणनखंड नहीं। तो 10 का 6 गुणनखंड क्या होगा? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा। अब इसका औसत निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए, वैसे तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 10 का गैप है 70 70 70/2, यानी कि 35 दशमलव कुछ होना चाहिए कि सही कह लिया हो, तो 35 होगा, कितना होगा 35। तो 35 ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा, हम तो पहले ये कह लिया 35 होते। पाइप ए एक टंकी, एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टंकी को पूरी तरह खाली होने पर 15 घंटे। तो ये कह तो ये तो भरा वाला छियो, भरा भरा कितना देर में भरा भैया, 10 घंटा में। ये खाली, खाली कितना 15 घंटा में, तो 12 घंटा में कहता है। और सी पूरी तरह से भरी टंकी को 12 घंटा में खाली कर देता है, और सी जो है 12 घंटा में खाली कर देता है। अरे तीनों टंकी में इन तीनों पाइप के एक साथ, देखिए एक साथ खोलना है, एलसीएम ले लीजिए 60, 10 × 6 = 60, 15 × 6 = 60, 12 × 5 = 60। ओके, तो ये पंच, ये दोनों खाली वाला है, तो 5 × 9 ये दोनों खाली करेगा, ये भरेगा, +6 और -9, तो +6 - 9 कितना हो जाएगा -3। आधी टंकी भरने वाले में कितना समय लगेगा, मतलब आधी टंकी भरने में 60 × 3 / 3 से भागा दे दो, कितना बार में कटेगा? पहला नंबर तो बहुत मुश्किल है भरना, बी उसी टंकी को पूरी तरह 10 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 15 घंटे में, अच्छा बी भी भर सकता है, अच्छा ठीक है, 6 × 4 = 10, अभी 10 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, 5 खाली कर रहा है, कितना एक घंटा में कितना भराएगा, 1 घंटा में 10 भराएगा, 5 खाली, तो यानी 5 भराएगा, और आधा भरना है तो आधा कितना है 30/5, तो 6×5 = 30, कितना घंटा लगे तो 6 घंटा लगते भैया, कितना लगता है 6 घंटा। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जरूरत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जरूरत, और क्या है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। प्यारे भाइयों, कहते हैं हिम्मत न हारिए, प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। एक कुर्सी 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है, यदि कुर्सी को 30% के छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या हो? कहता है 20%
छूट पर बेचा। मतलब क्या है, 120 रुपया दाम था और फिर क्या है 20% के छूट पर बेच दिया, यानी कि कितने में, 120 का, देखिए 120, 120 का 20% लाभ हुआ, तो कहता है तो 20% की छूट पे, तो 20/100, 20 × 5 = 100, 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10, उसके बाद 5 × 20 = 24, तो क्या है 120 का 20% कितना हो जाएगा 24, 24 रुपया घटा के बेचा तैयो 20% लाभ हुआ, 120% बराबर कितना होगा, तो 120 − 24 कर दीजिए, मान लीजिए 10 में से 4 गया कितना बचा 6, और यहाँ बचा कितना 11 में से 2 गया था 9, 96, 120% बराबर 96, पहले 100%, 100% का मान ना लिखा ले, 96 बटा क्या 120 × 100, 0 0 कट गया, 12 8 = 67, 72 12 8 = 84, 12 8 = 96, और कितना हो जाएगा 80 रुपया। और कहता है 30% छूट से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब कहता है 30% छूट से बेचा जाए, पहले तो 120 रुपया कितना छूट दे रहा था, अब 120 से पर क्या करना है 30% छूट दे देना है, बढ़ दे 36, 120 − 36, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बच गया कितना है 11, 11 में से 3 गया 8, 9, 10, 11, 4, तो 4 रुपया क्या है 8, तो 4 रुपया का लाभ हुआ, 4 रुपया का लाभ 80 पे × 100, 20 से 20, 20 × 5 = 100, कितना परसेंट का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। ओके, कोई समस्या होगा तो बताइएगा, आराम आराम से बना दिए इसको। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 72, इन दोनों संख्याओं को लगा तो 72/6, बर्षक 72, बर्षक 72, ये सब पूछो मत। 3 पाइप DEF एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और फिर डी और ई को टैंक भरने में 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 3 मिनट पहले। देखिए 6 है 8 है 12 है, LCM निकालिए, 6 8 12 का 24, 6 × 24, 8 × 24, 12 × 2 = 24, तीनों को खोलेंगे, 4 × 3 = 7, 2 × 3 = 5, 5 × 4 = 9, 24/9 कितना देर में भर देगा, इस तरह से काट देंगे, 24/9 कितना देर में भर देगा साथी, अरे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, तो 24/9, और 3 मिनट पहले बंद कर देते हैं, 3 मिनट पहले किसको बंद कर देते हैं, एक बाकी इस दोनों को 3 मिनट पहले बंद करना है, 3 मिनट पहले कितना बंद करना है, ऐसे ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाइए, नहीं तो जब ऐसा सवाल आ जाए, जब नहीं कटे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। सुधारेंगे कैसे, तो ये जो है 4 × 2 + 3 × 3 − 7, अच्छा 117 है, 3 मिनट टंकी भरा नहीं, 3 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं, वैसे ये बनाना है तो 3 मिनट पहले ही बंद कर देते तो टंकी की टोटल 4 दिन, तो क्या है 3 मिनट पहले बंद करते, आपको पता है 24 था, 3 मिनट पहले हमको क्या करना था 6 8 और 12, ठीक ना, 3 मिनट पहले बंद करना है, ये दोनों बंद करते 4 4 3 और 12 × 2 = 3 × 2 = 5, 5 बंद करते कितना मिनट पहले बंद करते, तो कहता है 3 मिनट दोनों को चला दीजिए पहले, सात गुना तीन, डी और ई भर रहा है 3 मिनट, 7 21 भर दिया, कितना भर दिया 21 भर दिया, अभी दोनों को बंद करना है, डी और ई को बंद करना है 3 मिनट पहले, ये 21, अब क्या है 24 + 21 45 इकाई कितना हो जाएगा, ये सबको 3 मिनट चलाइए दिए तो कितना हो गया 45 इकाई हो गया, अभी सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा 9 9 × 5 = 45, तो 5 मिनट में टंकी क्या होगा पूरा भर जाएगा, 5 मिनट में टंकी, तो समझ गया जितना देर आप बंद कर रहे हैं तो जितना भरता बंद होने के बावजूद तो उतना उसमें कर दीजिए और जोड़ दीजिए। कहता है 1/2, तो ए का मान कितना है 2, बी का मान 3 और सी का मान 7, तो 2 4 × 2, 4 × 2 = 8 प्लस 3 × 3 = 9 माइनस 7 × 7, तो 8 7 9 9 8 17 7 −7 −10 कितना आ जाएगा −10। कहता है ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है अनुपात, ये तो −10 हो गया, और ये प्लस भी तो 3 × 3 = 5, 7 + 7 = 12, तो −10/12, 10/12, 2 × 2 = 10, 2 × 6 = 12, 6 5 × 5 = 6, 5 × 5 = 6। ओके,
एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी संतोष रवि और विपिन चुनाव लड़ा। उन्हें मिले वैध मतों का 11:4:9 में है। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने से इतना मतों से अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात 2 बराबर कितना है, 83:50। ओके, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए और तो चुनाव में वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, सब का जोड़ के 9 4 कितना, 9 4 10 11 12 13 और 13 11 3 1 4 1 1 2 24 और अनुपात 24 और ये जो 1 वाला निकलेगा इसको गुना कर दीजिएगा, आपका क्या होगा एकदम एकदम सटीक 10,200। कहता है एन कर्मश 12.5% और 16% की वृद्धि की जाती है, अधीयन 400 है तो कितने रुपये वृद्धि हुई। देखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है आपका, तो ये भी फार्मूला भी लगा सकते हैं। टोटल वृद्धि पहले ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ए बी बाय प्लस माइनस, दोनों का वृद्धि है 12.5% प्लस 16% प्लस 12.5 गुना 16 तो 12.5 गुना 16/100 उड़ा दीजिए इतना, ये दोनों गुना कीजिए निकाल लीजिए पहले और क्या एन कितना प्रतिशत, यदि एन 400 है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो देख लीजिएगा कितना वृद्धि होगा। लगभग कितना 122% का वृद्धि होगा साथियों। ओके तो चलिए इस तरह से हमारा क्या था, ये तो पूरा का पूरा सेट नंबर 17 डिटेल एनालिसिस के साथ आपको करा दिए हैं आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस के जी पर पूरा का पूरा डिटेल। और हाँ साथियों याद रखबे रउआ लोगन, याद रखबे कि कल जो है रउआ लोगन के क्लास मिल गए रहे, एक रउआ लोग देख लेवे पूरा और ये क्लास कल मिलते रउआ लोगन के। ओके और ये तो बाबा भोला का आशीर्वाद है और ये भी क्लास आपको कल ही मिलेगा 7,000 पर श्रृंखला। ओके और ये भी कल और ये करके दिखाओ, तो ये करके दिखाओ, अरे ये करके दिखाओ। अगर अभी तक आप पढ़ रहे हैं साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस के जी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और कोई भी सुझाव सजेशन हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह आइए, हर जगह आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। जय श्री राम।